मिलिए मेलघाट के किसान मौजीलाल से। मौजीलाल जी जैविक खेती करते हैं। हमारा जमीन है 1.5 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, लेकिन हम 3 फसल इसको लेते हैं। तो ना ये गांव अभी देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं वापरा मैंने, गांधोर खाद और जो अमृत वापरा थोड़ा। ये चना दिख रहा है अभी, इसको इलिया कहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है और कुछ फवारनी नहीं है इसको। क्या मौजीलाल जी अपने खेत का कचरा जलाते हैं? मैं तो खेत में एक कचरा भी मैं बाहर भी नहीं फेंकता और जलाने का नाम भी नहीं है, क्योंकि जलाने से जो अपना मित्रता रहता जमीन में वो सब मर जाता। तो मौजीलाल जी आखिर कचरे का करते क्या हैं? मतलब कचरा उठा के अपन जमा करो और कुछ ये हरी पत्ती फिर गोबर, उसको थर से थर हमने वो खत बनाने का प्रयोग किया, तो वो भी कचरा वाया नहीं जा सकता। ये पानी फोड़ने से के उसके माध्यम से जो आया था गोबर है कचरा जो कही है, हमको बहुत ये अच्छा लगा। एक बाजू हम भर देता और पानी डालते रहता उसको, फिर इधर भरा गया कि इधर डाल देता और ये बन जाता 40-50 दिन में ऐसा। जैविक खेती में आमदनी कम होती है क्या? तो ये इसमें अभी गेहूँ मेरे कम से कम 10 क्विंटल बैठ जाता, पिछला साल तो मैंने 2600 रुपये क्विंटल से दिया था गेहूँ, अब इस साल मैं इसको 3000 रुपये क्विंटल से दे सकता, और बाकी का जो केमिकल वाला 1500 से 1600 रुपये क्विंटल है, इसको डबल भाव है। जैविक खेती करने वाले ये किसान आगे क्या करना चाहते हैं? मैंने 20 गांव के काश्तकार को ये जागरूक करे कि ये जैविक पद्धति में आओ, तो वो हिसाब से लोगों कम से कम उसमें से 100 काश्तकार आ गए ये लाइन पे।